तो भाई लोगों, एक मूवी आई है जिसका नाम है ढाई आकर। और दोस्तों, इस फिल्म का सब्जेक्ट यार काफ़ी ज़्यादा दमदार और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। और दोस्तों, हर एक महिला की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ ये मूवी उठाती है। तो दोस्तों, कैसी है ये मूवी, आइए डिटेल में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना। फिल्म की कहानी दोस्तों 80 के दशक में सेट है, जहां पर एक विधवा होती है प्लेड बाय मृणाल, जो कि हरिद्वार की यात्रा करने जाती है। उसके घर में दोस्तों दो जवान बेटे, बहुए और एक टीनेज पोती होती है। सो दोस्तों, उसकी एक बुक में से उसकी एक बहू को उसके कुछ पुराने लव लेटर मिल जाते हैं, जिस वजह से उनको शक हो जाता है कि उनकी माँ कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं गई है, बल्कि अपने पूर्व प्रेमी से मिलने गई है। ये सब जानने के बाद भाई साहब पूरे घर में भूचाल आ जाता है। और इन सब के बावजूद भी दोस्तों, जो भाई मृणाल ठाकुर अपनी जिंदगी का यार वो दर्दनाक जो सीन होता है दोस्तों, उसको वापस उसी सीन में चली जाती है जहां पर पति की मार, सेक्सुअल हरेसमेंट और टॉर्चर काफी उसने झेला हुआ था, वो उसको वापस से याद आता है। 1 घंटा 37 मिनट की ये फिल्म को भाई साहब डायरेक्टर साहब ने बड़ी ही निष्ठा के साथ पेश किया है, कहना पड़ेगा। हाँ, फिल्म में कुछ एक जगह यार सुस्त दिखाई पड़ती है, जहाँ पर यहाँ मृणाल ठाकुर और उसका जो प्रेमी होता है श्रीधर, उसके कुछ सीन थोड़े ड्रामेटिक लग सकते हैं। बावजूद उसके कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो भाई लोग, अगर एक्टिंग की बात की जाए तो यार मृणाल ठाकुर एंड श्रीकांत की एक्टिंग भाई साहब देखने लायक है। क्या उनकी केमिस्ट्री यार, वास्तव में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एक हाउसवाइफ का कैरेक्टर हो या भाई साहब एक निडर महिला का अपने लिए लड़ना हो, पूरा यार उनके कैरेक्टर में रमी हुई नजर आती है मृणाल ठाकुर। पिछले साल ही इफी में यार गोवा के अंदर काफी बड़ा फेस्टिवल हुआ था, नॉर्मा सेक्शन के अंदर इस मूवी को यार दिखाया गया था और वहां पर इस फिल्म को भाई साहब स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो भाई लोगों यार, इस मूवी को सच में देखना चाहिए, मेरे हिसाब से हाईली रिकमेंडेड है। सो गाइज, मैं दूंगा यार इस मूवी को 5 में से 4 स्टार। सो भाई लोगों, आपने देखी या नहीं देखी ढाई आकर, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।